वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर टू, इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके सब्जेक्ट कोड देख लीजिए आप। मैं इसका आपको चौथा पर्सन बताने जा रहा हूँ। राइट एंड इजी ऑन द नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर निबंध लिखिए। आइए शुरू करते हैं। ये पर्सन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर निबंध लिखिए। आंसर, दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा है। आज विश्व के सभी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुनरो ने तो स्वतंत्र राजनीतिक दलों के शासन को ही लोकतंत्रीय शासन कहा है। आज लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे के पूरक है। लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है और राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करके लोकतंत्रीय सरकार को गति प्रदान करते हैं। बायरिस ने सभी स्वतंत्र देशों में राजनीतिक दलों को आवश्यक माना है। सर्वसत्ताधिकारवादी देशों में भी एकमात्र राजनीतिक दल ही राजनीति जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। रूस और चीन में भी दल प्रणाली का उतना ही महत्व है जितना भारत, ब्रिटेन व अमेरिका में है। आधुनिकता और राजनीतिक चेतना के प्रतीक दल लोकतंत्री और निरंकुश सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में महत्व रखते हैं। जनता और सरकार में कड़ी का काम करके राजनीतिक दल ही राजनीतिक व्यवस्था रूपी गाड़ी को गति देते हैं। जनता को शिक्षा देना वह राजनीतिक चेतना का विकास करने, जनमत को तैयार करने, सरकार पर नियंत्रण रखने तथा उस अंकुश निरंकुश बनाने से रोकने में राजनीतिक दल की अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण आज राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था की धुरी कहा जाने लगा है। राजनीतिक दल, साधारण शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक दल को अनेक विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। फ्रेडरिक के अनुसार एक राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो अपने नेताओं के लिए शासकीय नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के उद्देश्य स्थायी रूप से संगठित होते हैं और आगे अनुशासित रहकर लाभ प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। मेकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जिनका संगठन किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए हुआ हो और वह संवैधानिक संसाधनों द्वारा सरकार बनाने के लिए इस सिद्धांत या नीति का सहारा लेता हो। गिल क्राइसिट के अनुसार राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य के राजनीतिक विचार एक ऐसे होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। उसमें थोड़ा कटा हुआ था, इसमें आप देख सकते हो। मैक बेवर के अनुसार राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाए हुआ वह संगठन है जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और उसको हस्तगत करने के लिए प्रचार तथा आंदोलन का सहारा लेता है। इस शासन शक्ति को हाथ में लेने के लिए पीछे एक ही उद्देश्य हो सकता है जो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ या दोनों है। गेटल के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के स्वरूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करना तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहता है। पालोम्बरा के अनुसार राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है जिसका स्वास्थ्य चेतना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर पहुंचाना तथा उन पर नियंत्रण बनाए रखना है जो अकेले या किसी से मिलकर शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण रखेंगे। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जो औपचारिक स्वरूप से इस उद्देश्य से संगठित होते हैं कि इन्हें वास्तविक
अथवा संभावित संप्रभु राज्य सरकार की नीति और उसके सर्वसेवी वर्ग के ऊपर वैधानिक नियंत्रण प्राप्त करना और बनाए रखना है, चाहे अकेले या मिलकर या वैसे ही अन्य समुदाय के साथ चुनाव प्रतियोगिता करके। दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण। आधुनिक समय में दल व्यवस्थाओं का राजनीतिक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां दल नहीं है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दलीय प्रणाली अवश्य विद्यमान है। राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप व संचालना तथा राजनीतिक दलों की प्राकृतिक उद्देश्य संरचना आदि के आधार पर विश्व में अनेक दलीय प्रणालियां विद्यमान हैं। अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दलों की विशेषताओं, दलों के पारस्परिक संबंध, दल का इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, सामाजिक संरचना व संस्कृति, दलों की विचारधारा, दलों की संख्या, दलों के संगठन आदि के आधार पर दलीय व्यवस्था का अनेक भागे में वर्गीकरण किया है। एलेन बाल ने दलीय व्यवस्था को अस्पष्ट दलीय पद्धतियाँ, सुस्पष्ट द्वितीय पद्धतियाँ, कार्यवाहक बहुदलीय पद्धतियाँ, अस्थिर बहुदलीय पद्धतियाँ, प्रभावी दल पद्धतियाँ, एक दलीय पद्धतियाँ तथा सर्व अधिकारी। एक दलीय पद्धतियाँ 7 वर्गों में बांटा है। अमंड ने दलीय व्यवस्था को सत्तावादी, गैर सत्तावादी, प्रतिस्पर्धात्मक, दो दलीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय में बांटा है। लो ला पंबोवाला ने बीनर ने दल प्रणालियों को प्रतियोगी तथा अप्रतियोगी दल प्रणालियां दो भागों में बांटा है। जैम जप ने दलीय व्यवस्था को स्पष्ट द्विदलीय, स्पष्ट द्विदलीय, बहुदलीय, वर्चस्ववादी, उदार का एक दलीय, सक्रिय एक दलीय, सर्व अधिकारवादी सत्ताओं में बांटा है। आज अनेक विद्वानों ने दलों की संख्या के आधार पर भी दलीय व्यवस्था को 3 भागों में बांटकर अपने उपवर्ग के अंतर्गत सभी दलीय व्यवस्था को समेट दिया है। आज भी मेरिस डोरेजर्स के त्रिस्तरीय वर्गीकरण को ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस स्तरीय वर्गीकरण में दलों की संख्या के आधार पर दलीय व्यवस्थाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक दलीय प्रणाली सिंपली पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली बाई पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया है। दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे। कारिश ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक दलीय पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें सत्तारूढ़ दल का यह तो सभी अन्य गुटों पर संप्रभुत्व होता है जो सभी राजनीतिक विद्रोह को अपने में समा लेते हैं, लेने का प्रयास करता है। यह वह बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विद्रोही गुटों का दमन कर देते हैं जिन्हें प्रति क्रांतिकारी या शासन के प्रति तोड़ फोड़ करने वाला दल समझा जाता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय इच्छा को विभाजित करने वाली शक्ति होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है और सरकार पर उसी का वर्चस्व लंबे समय तक भी बना रह सकता है। एक दलीय प्रणाली के गुण। विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को कायम रखती है, क्योंकि सभी नागरिक एक ही विचारधारा से बंधे रहते हैं। एक ही दल की कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल होने के कारण ये स्थायी सरकार की जनक है। किसी दूर दल के प्रभाव के बिना इसमें सुदृढ़ व मजबूत शासन की स्थापना होती है।
लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करना संभव है। सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विद्रोह न होने के कारण सरकार के निर्णय से दृढ़ता से लिए जाते हैं, जिसे शासन में दक्षता आती है। द्विदलीय प्रणाली। राजनीतिक व्यवस्था एक ही व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र दो दलों के हाथों में रहता है। ये दोनों राजनीतिक दल इतने सशक्त होते हैं कि किसी तीसरे दल को सत्ता में नहीं आने देते। इन दो दलों के अतिरिक्त अन्य दलों की राजनीतिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। ब्रिटेन तथा अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ब्रिटेन में लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टी तथा लेबर पार्टी की कार्यरत है। इसी तरह अमेरिका में लंबे समय से दो ही दलों डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक का वर्चस्व है। ये अमेरिका में दो पार्टियों का प्रभुत्व है, डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिक इसका वर्चस्व है। द्विदलीय प्रणाली के गुण। इसमें सरकार स्थिर होती है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल या विधानमंडल दोनों में एक ही दल का बहुमत होता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण ना तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है और ना ही समय पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं। इसमें सरकार बहुमत पर आधारित होने के कारण अधिक दृढ़ या शक्तिशाली होती है। इसी कारण वह अपनी नीति को आसानी से लागू कर सकती है। बिलों पर वाद विवाद करते समय मंत्रिमंडल को बहुमत के कारण अधिक कठिनाई से बिन पास कराने नहीं पड़ते। प्रत्येक बिल सरलता से पास हो जाता है। इसमें स्थायी सरकार होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं लागू की जा सकती है और नीति को भी प्रभावी रखा जा सकता है। इसमें सरकार अच्छे या बुरे शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य होते हैं। अंत यह प्रणाली उत्तरदायी सरकार को जन्म देती है। यह जनमत की भावना पर आधारित प्रणाली है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है। जनता की इच्छा के अनुसार ही कोई राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है। बहुदलीय प्रणाली। जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में ही में हो कि चुनाव में उसमें से किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, वहां बहुदलीय प्रणाली मिलती है। इससे सरकार एक दल की भी बन सकती है और कई दलों की मिलाकर साझा सरकार भी बना सकती है। साझा सरकार बनाने का प्रमुख कारण ये होता है कि इसमें भी बन सकती है साझा सरकार बनाने का प्रमुख कारण ये होता है कि उसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वोट विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व बिल कराने वाली पार्टियों के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे दल प्रणाली विश्व के अनेक देशों में पाई जाती है। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह दल प्रणाली स्थायी और अस्थायी दो तरह की होती है। स्थायी बहुदलीय प्रणाली वह है जिसमें अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष तो करते हैं लेकिन उनका धंधे सरकार चलाने के पास साथ साथ यह भी रियायत की राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता ना आए। बहुदलीय प्रणाली के गुण। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है क्योंकि विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में विद्वान हैं रहते हैं। इसमें जन साधारण के विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राष्ट्र दो विद्रोही गुटों या विचारधाराओं में नहीं बढ़ता। इसमें मतदाताओं को चुनाव की स्वतंत्रता रहती है। वह किसी एक दल को अच्छा मानकर उसका समर्थन कर सकते हैं। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती क्योंकि कई बार कई दल मिलकर ही सरकार बनती है। इसका सदन में मिला जुला ही बहुमत रहता है। इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना नहीं बनता क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल में एक दल के बहुमत पर निर्भर ना रहकर। दल प्रणाली का मूल्यांकन। दल व्यवस्था का उपरांत वितरण इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि
प्रजातंत्रीय देशों में तो दल प्रणाली का स्वरूप लोकतंत्रीय है, लेकिन सर्वाधिकारवादी देशों में राजनीतिक दल अलोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वानों ने तो लोकतंत्र सहित सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए राजनीतिक दलों के महत्व पर विचार किया है। मुनरो ने तो दलीय शासन को ही लोकतांत्रिक शासन कहा है। मार्क्सवादियों की दृष्टि में दलीय प्रजातंत्र विकृत प्रजातंत्र है। सर्वदाई विचारधारा दल विहीन प्रजातंत्र की बात करती है। इस तरह दल प्रणाली प्रशंसा उनके अंतर्निहित गुणों के आधार पर ही जाती है और आलोचना उसके दोषों के आधार पर। राजनीतिक दलों के प्रजातंत्र में कार्य व भूमिका है। जनमत तैयार करना, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल में ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण वह उन समस्याओं के बारे में ठीक तरह सोच नहीं सकते। राजनीतिक दल उन समस्याओं का स्पष्टीकरण करके जनता का अपने पक्ष में अपने का प्रयास करते रहते हैं। इससे जनता धीरे धीरे संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण कर देती है। इस प्रकार जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वह जनता को राजनीतिक स्वरूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। सभाओं, अधिवेशनों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से वे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और अपने पक्ष में जनता को लाने के लिए जोरदार अभियान चलाते हैं। चुनावों के समय वे अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाते हैं। इससे जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान भी हो जाता है और राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाती है। सार्वजनिक नीतियाँ के निर्माण में जनता का नेतृत्व। साधारण जनता को देश की समस्याओं का अधिक ज्ञान नहीं होता है, वह जटिल राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होती है। राजनीतिक दल उन समस्याओं का सरलीकरण करके जनता के सामने पेश करते हैं और वाद विवाद जनसभाओं, समाचार पत्रों आदि के द्वारा समस्याओं के बारे में जनता को परिचित करवाते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों को विचार का दलाल भी कहा जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व राजनीतिक दल ही करते हैं। इससे आम जनता सरकार की नीतियों के संबंध में बनाई गई योजनाओं में भागीदार बन जाती है और नीति पर जन स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अंत में राजनीतिक जन दल ही जन स्वीकृति प्राप्त करके नीति निर्माण में भागीदार बन जाते हैं। चुनाव लड़ना व सरकार बनाना। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनावों के अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनावों में जीत कर उनका एक ही ध्यान होता है, सत्ता व शासन पर नियंत्रण। जिस दल को चुनावों में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाता है और जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। सरकार की आलोचना करना। लोकतंत्र में आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो आलोचना का अधिकार बिल्कुल नहीं होता। अध्यक्षनात्मक सरकार में भी कार्यकाल होने के कारण विद्रोही दल पर्यालोचना से दूर ही रहता है। सरकार की आलोचना का परख रूप सदनीय शासन प्रणालियों में देखने को मिलता है। सदनीय शासन प्रणाली में एक ही दल तो सरकार चलाता है और दूसरा सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है, ताकि गलत कार्य करने की दिशा में सरकार की आलोचना की जा सके। भारत में विद्रोही दल का बड़ा सम्मान किया जाता है। विद्रोही दल की आलोचना संरचनात्मक होने के कारण सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का
सदा ध्यान रखता है। सदनीय सरकार में कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना विद्रोही दल को महत्वपूर्ण बना देती है। यदि अविश्वास का मत पारित हो जाए तो सत्तारूढ़ सरकार का स्थान विद्रोही दल भी ले सकता है। इसी विद्रोही दल की उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करती है तथा इसे सरकार की निरंकुशता पर रोक लग जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न पूरा हुआ, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।